नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आप देख रहे हैं पोल पट्टी। आज हमारे जो हम यात्रा आपको करवा रहे हैं धार्मिक स्थलों की, उनमें आज हमारा पड़ाव है श्री खाटू श्याम जी। भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में खाटू श्याम जी एक प्रसिद्ध कस्बा है, जहां बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। और चलते चलते हमारे साथ और आपको हम दर्शन करवाएंगे पूरी कहानी श्याम बाबा की, कहां से आए थे, क्यों पूजनीय हैं, कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हैं, पूरी कहानी आपको बताएंगे। और यकीन मानिए आपको वही अनुभव होगा जो आप खुद स्वयं आकर यहां पे दर्शन करने से होता है। चलिए अब शुरू करते हैं श्याम बाबा के परिचय से। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था। कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरी के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से उद्धार हो जाएगा। यदि वे तुम्हारे सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सभी कार्य सफल होंगे। इस बीच मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एंटर हो चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं श्याम बाबा की नगरी में और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। साथ साथ चलते हुए हम आपको कहानी भी बताते रहेंगे कि श्याम बाबा क्यों पूजे जाते हैं और क्यों इनकी इतनी मान्यता है। जैसा कि बताया, श्याम बाबा को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरिक नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गद्दाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला में अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी थी। नव दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और तीन अबोध बाण प्राप्त किए। इस प्रकार तीन बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध नाम उनको प्राप्त हुआ। देख सकते हैं बीच में ये दर्शक दीर्घा है, जहाँ पे लोग लाइनें लगते हैं और बाबा के दर्शन करने जाते हैं। आइए आगे शुरू करते हैं। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्राप्त किया, जो उन्हें तीन लोगों के विजयी बनाने में समर्थ थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हो गया था। ये समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तब माँ को, इस बीच में बताऊँगा कि हम मंदिर में दाखिल हो चुके हैं, आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं और बाबा के दर्शन हम करवा रहे हैं श्याम बाबा के, जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं और जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा के पास में ही एक छोटा सा मंदिर और है, परिक्रमा लगाएं तो उनके भी दर्शन जरूर करें और जो भी भेंट चढ़ावा है वो जरूर चढ़ाएं। हमने बाबा के मंदिर पुजारी से भी बात की, उन्होंने हमें बताया जो हम आपको बताएंगे पूरी कहानी में, क्योंकि इतना शॉर्ट हम आपको पूरी कहानी सुना नहीं सकते, इसलिए पूरी कहानी में साथ चलते हुए उन्होंने जो बताया हमारे को, जो कहानी हमारे सम्मुख रखी, वो सारी कहानी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने बताया, आप शुरू करते हैं अपन आगे। माँ को जब ये पता हो चला, जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तब माँ को हारे हुए पक्ष के साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर तीन बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका। ये जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि एकमात्र तीन बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र एक बाण से शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। ये हम बीच में आपको बताना चाहेंगे कि ये श्याम बाबा के ऊपर छत के ऊपर से श्याम नगरी का दृश्य है, जो आप यहाँ से आनंद की अनुभूति ले सकते हैं। देखिए और आनंद की अनुभूति लेते रहिए और कहानी हमारे साथ सुनते रहिए। जब उनको कहा गया कि शत्रु सेना को एक बाण से ही प्राप्त कर पर्याप्त है समाप्त करने के लिए, और ऐसा करने के बाद
बाण वापस तुनीर में ही आएगा। यदि तीन बाणों का प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि एक वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों पर चलाया। बाण ने क्षणभर में पेड़ के सभी पत्तों को वेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैरों को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया, कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसे ही अपना साथ देंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अत्य ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरिक क्षणभर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग नहीं हो सकते। वीर बर्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोगों के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय और शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फागुन माह में द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध की विजय किसको श्रेय दिया जाए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उनसे बेहतर निर्णय भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर बर्बरिक ने शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध के विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। और इस बीच में आपको बता दूं कि हम अब एंटर हो रहे हैं सामने से। पहले हमको आपको दर्शन करवाए थे हमने पास में से, और अब दर्शक दीर्घा से जाते हुए हम आपको दर्शन कराएंगे श्याम बाबा के। आनंद लीजिए और श्याम बाबा के दर्शन करते रहिए। उनकी शिक्षा अब आगे मैं बताना चाहूँ कि उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की शिक्षा उपस्थिति युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो युद्ध सेना के सिर काट रहा था। महाकाली कृष्ण का आदेश पर शत्रु सेना से रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए के साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। अब आप पास से सामने से श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। आप यदि दूर हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे हैं तो सबके साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे सब लोग बाबा श्याम के दर्शन कर सकें और आनंद ले सकें। आगे बढ़ते हैं। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक उस गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा सोते ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया। उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। अब आप पास से बाबा के श्याम और ये पुजारी जी हैं, जिनसे हमने बात की, आपको दिखाया था शुरू में, उन्होंने ये पूरी गाथा पूरी कहानी बाबा की हमें बताई। मंदिर का निर्माण हुआ। कार्तिक माह के एकादशी को शीश मंदिर को सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।
मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार में है। मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना है। काटुश्याम परिवार की एक बड़ी संख्या परिवार देवता है। ये देख सकते हैं परिक्रमा देने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ बाबा के आशीर्वाद के रूप में मोर के पंखों से बनाई हुई झाड़ू से आपको आशीर्वाद दिया जाता है। इसके आगे हम बताना चाहेंगे कि बाबा के कुछ प्रसिद्ध नाम भी हैं। श्री खाटू श्याम जी का बाल्यकाल का नाम बारबरिक था। उसकी माता गुरुजन और रिश्तेदार इन्हें इसी नाम से जानते थे। श्याम नाम उन्हें कृष्ण ने दिया था। इनका ये नाम इनके घुंघराले बाल के कारण पड़ा था। बरबरीक खाटू श्याम जी कैसे बन गए ये अब हम आपको बताएंगे। ये कहानी मध्यकालीन महाभारत से शुरू हुई थी। खाटू श्याम जी पहले बरबरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बल शक्तिशाली भीम पुत्र घटोत्कच और प्राग ज्योतिषपुर वर्तमान में आसाम में हैं के राजा दैत्यराज मोर की पुत्री कामकंठ कंकटा मोरवी के पुत्र खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी बाल अवस्था में बहुत बलशाली और वीर थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता मोरवी और भगवान कृष्ण से सीखी। उन्हें नवदुर्गा की आराधना करके नवदुर्गा अनोख के बाण प्राप्त किए थे। युद्ध करना चाहते थे और उन्होंने बोला हारे हुए की तरफ से युद्ध करूँगा। अब आपको मैं बीच में बताना चाहूँगा कि ये हनुमान जी जय श्री राम जहाँ से बाहर निकलते हैं सिंह पोल हनुमान जी सामने आप देख रहे हैं। जैसे श्याम बाबा के दर्शन करके बाहर आते हैं। इनके दर्शन के बिना बाबा के श्याम के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। जिनसे हमने बात की और पता किया कि बाबा की क्या मनोकामना है, क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती है बाबा के आने से, तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी सभी तरीके की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो बाबा पूर्ण करते हैं। और बाबा का शीश आगे बताना चाहूँगा। बाबा का शीश बरबरीक का शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम जी कहते हैं। और इनका और भी नाम मोरवी नंदन खाटू श्याम जी है। और इनके कुछ आरती भी बहुत सारी आरतियाँ प्रचलित है जिनको रोज उच्चारण करने से जीवन में सभी संकट कट जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं श्याम कुंड श्याम सरोवर। श्याम बाबा के जाएं तो श्याम सरोवर जरूर जाएं। वहां जाकर आपको एक वही अनुभूति होगी जो एक सरोवर में जाने से होती है और बाबा आपको आशीर्वाद देंगे। इस श्याम कुंड में आप जाकर स्नान करें। ये यहाँ पे दो अलग अलग श्याम कुंड बने हुए हैं, एक महिलाओं के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए। दो अलग अलग श्याम कुंड हैं जिनमें आप आनंद की अनुभूति लें। नीचे उतरें, पानी बहुत कम रखा गया है और देख सकते हैं किस तरीके से उस पानी में लोग आनंद की अनुभूति के साथ नहाकर अपना शरीर को साफ करते हैं और बाबा के बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके साथ में यहाँ पे बहुत से लोग और पास में ही एक मंदिर श्री हनुमान जी का संकट मोचन हनुमान, जहाँ उनके दर्शन करने से जितने भी तरीके के संकट हैं वो टलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन पर मात्र से जितने भी संकट आपके जीवन हैं जीवन में हैं वो दूर हो जाते हैं और बाबा आपको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे आप बैठें, यहाँ पे थोड़े समय के लिए समय व्यतीत करें, आपको बड़े ही सुख की अनुभूति होगी। इन्हें प्राचीन इच्छापूर्ण बालाजी भी कहा जाता है। संकट मोचन के साथ ये जो भी इच्छा होती है आपकी वो ये पूर्ण करते हैं। पास ही अलग अलग देवताओं की, सभी देवताओं की फोटो और उसके साथ में कहानियाँ हैं। पास में श्याम बाबा जो महिला कुंड के पास में हैं उनकी एक और मूर्ति आप देख सकते हैं, जहाँ पे किसी को फोटो लेना सख्त मना है। हमें स्पेशल परमिशन ली है कमेटी से, उसके बाद में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं।
और बाबा के दर्शन आप कीजिए। बाबा के दर्शन करने के बाद में इनके पास ही एक और हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, जहाँ पे दिया जलाने से आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है। ये बड़ के बीच पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर हनुमान जी का, जहाँ पे दिए में तेल डालकर आप दिया जलाएं, जोत जलाएं, लो जलाएं, तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और इस तरीके से हमने आपको पूरे खाटू श्याम खाटू नगरी के दर्शन करवाएं, पूरी नगरी में घूमें, हमने आपको अलग अलग जगह बताई। ये जगह जयपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, बाय रोड बाय टैक्सी आपका पर्सनल साधन लेकर भी आप आ सकते हैं। हमारी यात्रा को हम जल्दी यहाँ पे विश्राम देंगे और ऐसे ही अगली यात्रा पे हमारे साथ चलने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये यहाँ का लोकल मार्केट है, जहाँ पर हम धीरे धीरे चलते हुए आपको मार्केट का यहाँ पे लोबंदी और दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे जाएं तो बच्चों के लिए, बीवी के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, सबके लिए अलग अलग वस्तुएं, चाहे कपड़े हों, चाहे चूड़ियाँ हों, चाहे श्याम बाबा के मंदिर की फ़ोटो हो, श्याम जी की फ़ोटोज़ हों, मूर्तियाँ हों, सब कुछ यहाँ पे उपस्थित है, जो या एक याद के रूप में आप ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग सजी धजी दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और दुकानों के साथ में ये मार्केट। और अब हम धीरे धीरे यहीं पे हमारी यात्रा समाप्त करना चाहेंगे, और आप इसी तरीके का प्यार देते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।